नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। गाजीपुर हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी पर फैसला आ जाएगा। आज एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। गैंगस्टर मामले में सुनाएगा फैसला। करंडा थाना क्षेत्र का निवासी था मृतक कपिलदेव सिंह। कपिलदेव सिंह की 2009 में हुई थी हत्या। 2010 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में बना था गैंग चार्ट। चार्ट में कपिलदेव सिंह हत्याकांड हुआ था शामिल। आज हत्या के इसी मामले में आयोग फैसला। गैंगस्टर के दो मामलों में हो चुकी है 10-10 साल की सजा। तो गाजीपुर हत्या के आज एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा इस पर फैसला। गैंगस्टर मामले में सुनाया जाएगा ये फैसला। और गैंगस्टर मामले में ये फैसला सुनाया जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा कपिलदेव सिंह की 2009 में हुई थी हत्या। करंडा थाना क्षेत्र का निवासी था मृतक कपिलदेव सिंह, जिस पर फैसला सुनाया जाएगा आज। इस मामले पर कपिलदेव सिंह की 2009 में हुई थी हत्या। 2010 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में बना था गैंग चार्ट। चार्ट में कपिलदेव सिंह हत्याकांड हुआ था शामिल। आज मामले के इसी मामले में फैसला आएगा। गैंगस्टर के दो मामलों में हो चुकी है 10-10 साल की सजा। कपिलदेव सिंह की 2009 में हुई थी हत्या। तो गाजीपुर हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आएगा। मुख्तार अंसारी पर आज फैसला सुनाएगा एमपी एमएलए कोर्ट। फैसला सुनाएगी कपिलदेव की हत्या को लेकर। आपको बता दें एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगी गैंगस्टर मामले में। ये फैसला है। और करंडा थाना क्षेत्र का निवासी था मृतक कपिल देव सिंह, जिस पर फैसला आना है। कपिल देव वो करंडा का निवासी था। कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी। 2010 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में बना था गैंग चार्ट। चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड हुआ था शामिल। आज हत्या के इसी मामले में आएगा फैसला। गैंगस्टर के दो मामलों में हो चुकी है 10-10 साल की सजा। तो गाजीपुर हत्या के मामले मुख्तार अंसारी का फैसला आज आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। आपको बता दें करंडा का निवासी था कपिलदेव, जिसकी 2009 में हत्या की गई थी। आज मुख्तार अंसारी पर इस पर ही एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। गैंगस्टर मामले में ये फैसला सुनाएगी एमपी एमएलए कोर्ट, जिस पर आज फैसला आने वाला है। करंडा थाना क्षेत्र का निवासी था मृतक कपिलदेव सिंह। में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में बना था गैंग चार्ट। गैंगस्टर मामले में सुनाएगी फैसला। चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड हुआ था शामिल। तो आज हत्या के इसी मामले में आएगा फैसला। और गैंगस्टर के दो मामलों में हो चुकी है 10-10 साल की सजा। तो आपको बता दें आज मुख्तार अंसारी पर फैसला आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी गैंगस्टर मामले में। फैसला सुनाएगी करंडा थाना क्षेत्र का निवासी था मृतक कपिलदेव सिंह। 2009 में कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी। आज इस पर फैसला सुनाया जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट इस पर आज फैसला सुनाएगी। 2010 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में बना था गैंग चार्ट। चार्ट में कपिलदेव सिंह हत्याकांड हुआ था शामिल। और इसी पर आज एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाने जारी है।
और इस खबर पर हमारे साथ सुशील तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस प्रकार से देखा जा रहा है एमपी एमएलए कोर्ट आज गैंगस्टर मामले पर फैसला सुनाएगी, क्या कुछ अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं? सुशील, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो आपको बता दें, आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को लेकर ये फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें, गैंगस्टर मामले में सुनाएगी फैसला। करंडा निवासी था कपिल देव सिंह की, 2009 में हत्या हुई थी। 2010 में चार्ट बनाया गया था जिसमें कपिल देव सिंह का नाम था। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट बना था 2010 में, इसमें नाम था। हत्या के मामले कोर्ट आज फैसला सुनाएगी, एमपी एमएलए कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगी। फैसला क्या निकल कर आता है, इंतजार करना पड़ेगा। और 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के चीचली थाना से खबर आई है, जहां खेत में काम करने ना आने की वजह से गुस्साए गांव पटेल ने एक नवयुवक को अपने घर पर बने कमरे में बंद करके इतना पीटा कि वह बदहवास हो गया और घर पहुंचते युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। उनके यहाँ काम करता था, तो इसकी पत्नी का कहना है कि 16 तारीख को उनका जो मुनीम है धनु, उसके साथ ये मृतक गया हुआ था और उसका कहना है कि वहाँ उसकी पिटाई की गई। 16 को ही शाम को ये पत्नी के साथ वापस आ गया था घर तक, इसलिए 2 दिन से अपने घर पर था। घर से इसकी कुछ तबीयत खराब हुई, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, उन डॉक्टर से भी हम उसके संबंध में बयान लेंगे क्या दिक्कत थी। और आज इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके आधार पर भारत टाइम कर मृतक का पीएम कराया गया है, डॉक्टर्स की टीम से कराया गया, वीडियोग्राफी भी कराई गई है और डॉक्टर से पत्राचार करके शीघ्र से 2-3 दिन के अंदर ही पीएम रिपोर्ट हम प्राप्त करेंगे। वो भी साक्ष्य के आधार पे आएगा, उसमें विधि अनुरूप जो कार्रवाई होती होती जाए। अरे पत्र मेरा तू गए सर, चार गाँव और पटेल ने रिंगवाए थे इनको चमचा बेजान सब उठा कर ले गए कि भैया हमारे संग तनक सूखा खैरी तक चलो अब लौटा हमें वापस छोड़ने हैं। और बिना सूखा खैरी से बहुत घर नहीं लौटाओ बे ले गए चार गाँव बहुत घर। और बिना ले जान के सर मेरे आदमी है कोठा में दांत का बहुत मारो और बहुत मार कर जेवर और पैसा मार मार के हाथ में पकड़ाए और हाथ में पकड़ा के कहे अब बोल तेरे घर है कर फोन पे कर मे बचा लो वो बहुत मार रहे हैं। जैसे भी इन्हें फोन पर कही मैं जहाँ से भक्त आई गई जान के देखी तो वे गेट न खोल रहा है, जबरदस्ती मैंने गेट खुलवाई मेरे बाद भी जान के बीच गांव में आंगन में अला लोट होकर वहाँ का मूंद लही तो मुँह से बोलो ले जा नहीं सको घर पे आन के सर बिल्कुल रात ही रुके हैं गए एक कल दिन रुके हैं और 22 आज मृत्यु हो गई रात गाँव में न गए 2-4 दिन इसलिए भी ले गए तो हम करत थे मगर वह लड़का ले गए तो वह ले गए आने के मार उठोको हन के मारवे के बाद तब बस की फोन करवाओ बहू ले लड़का और बहू ले गए लेकर साहब और घर आए घर 2-3 घंटा जिया बस। बदायूं में एसएसपी ने किया है तबादला, 4 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर किया गया है, 1 प्रभारी निरीक्षक का छीना है चार्ज। आपको बता दें, बदायूं में एसएसपी ने किया है तबादला, 4 इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया, 1 प्रभारी निरीक्षक का छीना है चार्ज। प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल को बिनावर थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है और बिनावर थाने के प्रभारी राजेश को पुलिस अधीक्षक का जिम्मा सौंपा गया है।
कप्तान पीआरओ हरेंद्र सिंह को इस्लाम नगर थाने का प्रभारी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक के वाचक रहे राजकुमार तिवारी को पीआरओ का जिम्मा दिया गया है। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, बदायूं में एसएसपी ने किया तबादला। बिजनौर में एक तेज रफ्तार कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जहां टक्कर के बाद कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। आपको बता दें, हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बिजनौर के थाना क्षेत्र के पास का यह हादसा हुआ है। केंद्र सरकार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है। इस पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। आप नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री अदिशी ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली को दिए गए संवैधानिक अधिकार को छीनने का प्रयास है। अदिशी ने कहा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चुनकर आई थी, तब मई 2015 में केंद्र सरकार की ओर से ठीक ऐसा ही कुछ करने का प्रयास किया गया था। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार से छीन लिया गया। हालांकि 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वो फैसला ठीक नहीं था, वह गैर संवैधानिक था। केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली में तकरार अध्यादेश को अतिशी ने बताया संविधान की हत्या। कल रात को देर रात में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, संविधान की हत्या करने के लिए यह अध्यादेश लेकर आई है। क्या कहता है यह अध्यादेश? यह अध्यादेश कहता है कि जो ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी, ये उस ताकत को गैर संवैधानिक तरीके से छीनने का प्रयास है। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 2-2 संवैधानिक पीठों के आदेश के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि केंद्र की सरकार का आदेश गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। अतीक अशरफ को हीरो बताने वाले रील्स और मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। आपको बता दें, एसटीएफ ने ऐसे मैसेज को लेकर शेयर करने वाले 5 अकाउंट की रिपोर्ट की है। रायबरेली में तेज रफ्तार की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां पुलिस की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन युवक की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। भदोखर थाना क्षेत्र के पास की घटना है। तो आपको बता दें, रायबरेली के भदोखर के पास की घटना बताई जा रही। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां पर इलाज किया जा रहा है। मुंबई में समीर वानखेड़े मुंबई में सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें, समीर वानखेड़े मुंबई में सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। समीर वानखेड़े पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे। भ्रष्टाचार उगाही मामले में दर्ज किया गया था केस।
ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मुंबई से समीर वानखेड़े पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। भ्रष्टाचार उगाही मामले में दर्ज किया गया है केस। समीर वानखेड़े पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। भ्रष्टाचार उगाही मामले में केस दर्ज किया गया है। लगातार इस बात की खबरें भी आ रही थी और ये बताया जा रहा था कि उन्होंने अपने पद पर रहते अपने पद का दुरुपयोग किया, उस पर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे थे और सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। भ्रष्टाचार उगाही मामले में दर्ज किया गया है केस। सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं समीर वानखेड़े। मुंबई में सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं समीर वानखेड़े और सीबीआई आज उनसे पूछताछ करेगी। भ्रष्टाचार पर आरोप है उनके ऊपर। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां राजनगर एक्सटेंशन में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। तभी वहां के लोग आग बुझाने में जुट गए। आपको बता दें, आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और तुरंत मौके पर वहां फायर ब्रिगेड पहुंची और आग को बुझाने में लगी हुई है। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने इंसानियत और अपने पेशे दोनों को शर्मसार करने का काम किया है। दरअसल अलीगढ़ में प्रसव से तड़प रही महिला स्वास्थ्य विभाग पहुंची। परिजनों की जानकारी के अनुसार महिला को भर्ती करने के नाम पर 1,000 रुपये की मांग की गई। जब परिजनों ने पैसे नहीं दिए तो स्टाफ ने महिला को इगलास समुदाय केंद्र से बाहर कर दिया। इसके बाद जब महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी तो महिला ने अस्पताल के बाहर खाली पड़े प्लॉट में झाड़ियों के बीच बच्चे को जन्म दिया। खुली झाड़ियों में बच्चे को जन्म देने की जानकारी जैसे ही फैली, वैसे ही आनन फानन में मौके पर एम्बुलेंस पहुंच गई और प्रसूता को जिला अस्पताल मलखान सिंह में ले जाया गया। आपको बता दें, झाड़ियों में बच्चों को जन्म देने की इस घटना को वहां से गुजर रहे राहगीरों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मथुरा थाना क्षेत्र में एक ई समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया। जब विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर फेंके गए, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो वहीं पुलिस को देखकर उपद्रवी मौके से फरार हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में ताजमहल पश्चिमी गेट के पास मीना बाजार में दुकानों में आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देखकर आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी पानी लेकर आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन आग बेकाबू हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग मोर्चा संभाला और आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि करीब 12 दुकानें जल गई हैं, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। रायबरेली में एक कारोबारी अवैध मिट्टी का जेसीबी के जरिए खनन कर रहा है। आपको बता दें, प्रशासन मिट्टी खनन के आगे नतमस्तक साबित हो रही है। तो वही मिट्टी खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। कुशीनगर पुलिस और पशु तस्कर के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दो तस्करों को पैर में लगी है गोली। दोनों तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके से 6 गोवंशीय और 1 पिकअप और कारतूस बरामद किया गया। गोवंशों को पिकअप में लाद कर ले जा रहे थे आरोपी। दोनों आरोपी नगर के थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। कन्नौज में रोडवेज और बाइक की जोरदार टक्कर हुई, जहां टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि चारों युवक एक ही बाइक पर सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।
गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रोड पर तेज रफ्तार कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें, टक्कर लगने के बाद कार चकनाचूर हो गई, जिसमें सवार 5 लोग घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पीएम मत्स्य संपदा योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तमाम योजनाओं को लेकर पीसी करेंगे संजय निषाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ से खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पीएम मत्स्य संपदा योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय निषाद। तमाम योजनाओं को लेकर पीसी करेंगे संजय निषाद। आपको बता दें, 1 बजे विक्रमादित्य मार्ग आवास पर प्रेस वार्ता ये की जाएगी और संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मत्स्य संपदा योजना को लेकर बात की जाएगी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को भेजा गया है नोटिस। प्रयागराज से खबर साझा कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक आयोग ने भेजा है नोटिस। लखनऊ स्थित न्यायिक आयोग के दफ्तर में दर्ज होगा बयान। विजय चौधरी के एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजा है। अरबाज के एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को नोटिस किया गया है जारी। आज गाजियाबाद दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। गाजियाबाद आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आज लोनी में 50 बेड के अस्पताल का करेंगे लोकार्पण। एमएमजी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का भी करेंगे लोकार्पण। लोनी में दोपहर 1 बजे आयोजित होगा कार्यक्रम। तो आपको बता दें, गाजियाबाद के लोनी में आज डिप्टी सीएम आएंगे और अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज आ रहे हैं, लोनी में 50 बेड के अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। एमएमजी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का भी लोकार्पण किया जाएगा। लोनी में दोपहर 1 बजे आयोजित होगा कार्यक्रम। आज गाजियाबाद दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और लोनी में 50 बेड के अस्पताल का करेंगे लोकार्पण। एमएमजी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का करेंगे लोकार्पण। लोनी में दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो आज गाजियाबाद दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लोनी में 50 बेड के अस्पताल का करेंगे लोकार्पण। और इस खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता नदीम हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या कुछ जानकारियां निकल कर आ रही हैं? बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज लोनी आने वाले हैं, एमएमजी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे, सीटी स्कैन मशीन का। क्या कुछ अहम जानकारियां हैं नदीम? देखिए, उसका लोकार्पण भी करेंगे। हालांकि वहां पर आने की वजह उनकी कोई नई नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार आ चुके हैं गाजियाबाद में। समय समय पर वो निरीक्षण भी करते हैं और अपने कामों के लिए कहीं ना कहीं जाने भी जाते हैं, कि गाजियाबाद में लगातार उनके दौरे रहते हैं, अस्पतालों के निरीक्षण भी किए थे। हालांकि गाजियाबाद के सबसे बड़े अस्पताल एमएमजी का भी पहले उन्होंने निरीक्षण किया था, जिसमें काफी खामियां आई। तो वहां पर डॉक्टर को डाटा भी था, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। तो वो अपने कामों के लिए यहाँ जाने जाते हैं, लेकिन इस बार जो आ रहे हैं वो लगभग 1:30 बजे के आने की उनकी संभावना है। और जो 50 बेड का हॉस्पिटल है उसका लोकार्पण होगा, साथ में सीटी स्कैन मशीन और अन्य सामान भी है, जिनका उनको वहाँ देखा जाएगा किस तरीके से। वहाँ पे बड़े बड़े मंत्री और पुलिस व्यवस्था भी बनाई हुई है। नदीम, कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या तैयारियां हो चुकी हैं आज डिप्टी सीएम के साथ साथ, और कौन लोग आ सकते हैं, अस्पताल में किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, गाजियाबाद बीजेपी का घर कहा जाता है। गाजियाबाद में बड़े चेहरे काफी हैं, जैसे जनरल वीके सिंह सांसद, और उसके साथ साथ गाजियाबाद के 5 विधायक
जो कि मौजूदा विधायक हैं, सभी विधायक वहाँ पहुँचेंगे, उन लोगों की भी वहाँ पहुँचने की संभावना है। सभी लोग वहाँ नंदकिशोर गुर्जर का वहाँ गढ़ माना जाता है लोनी, तो नंदकिशोर गुर्जर जाहिर सी बात वहीं पे होंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि जो जनरल वीके सिंह है सांसद, वो वहाँ एट ए टाइम उनके साथ रहेंगे और बड़े बड़े चेहरे भी वहाँ साथ में आ सकते हैं। फिलहाल उनके 1:30 बजे की आने की वहाँ संभावना जताई जा रही है। शुक्रिया नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।